गिरिडीह जिला पुलिस के द्वारा साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जिले में कुछ साइबर अपराधी फर्जी सिम के माध्यम से लोगों से ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसको वेरीफाई करने के लिए, छापामारी करने के लिए डीएसपी साइबर सुमित के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, और टीम के द्वारा कुल 7 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास से 41 मोबाइल फोन, 52 सिम कार्ड, 4 एटीएम, 4 मोटरसाइकिल, 3 आधार कार्ड, स्मार्ट वॉच और अन्य चीजों की बरामदगी की गई है। इसमें से 2 साइबर अपराधी जो हैं, टिंकू कुमार और गणेश प्रसाद, ये दोनों पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में अपराध कर चुके थे और कई राज्यों की पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। इन दोनों की गिरफ्तारी गिरिडीह पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें से टिंकू कुमार के ऊपर लगभग 10 केस हैं, विभिन्न राज्यों में 10 कांड दर्ज हैं साइबर अपराध के लिए, और दूसरा इसमें जो गणेश प्रसाद हैं उनके विरुद्ध में 8 केस जो हैं अन्य राज्यों में दर्ज हैं। और साइबर अपराधियों ने अपने कन्फेशन में कहा है कि यह स्वीकारोक्ति बयान में बताया गूगल सर्च इंजन पर गूगल सर्च ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से फर्जी कुरियर सर्विस का ये ऐड डालते थे, उसके माध्यम से ठगी करते थे तथा लोगों को अश्लील वीडियो भेजकर उसके माध्यम से ठगी किया करते थे। गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार जो साइबर अपराधियों के विरुद्ध अपराध का रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, वो अभियान आगे भी जारी रहेगा। इसके साथ अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।